यूपी के फर्रुखाबाद ज़िले से खबर है, जहां रिश्तेदार के गांव के निकट सड़क पर ट्रक चालक नीरज जाटो का शव मिलने से सनसनी फैल गई। नीरज जनपद कन्नौज कोतवाली के छिबरामऊ के ग्राम महोई निवासी रामकिशन का 30 वर्षीय पुत्र था, जो ट्रक चलाने का काम करता था। नीरज का शव आज सवेरे थाना मऊ दरवाजा रेलवे क्रॉसिंग हथियापुर गाँव के निकट आजम के बाग के सामने सड़क के बीच पाया गया। नीरज के गले में सूजन एवं कंधे व कान के पास चोट के निशान पाए गए। उसके शरीर पर सैंडो बनियान जींस की पैंट थी, पैरों में जूता चप्पल नहीं थे। सूचना मिलने पर थाना अध्यक्ष एवं दरोगा इंद्रजीत सिंह ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कहाँ रहते हैं आप? नौरी मोई है। क्या मामला हुआ यहाँ पे? यहाँ पे मेरे भाई को मार के मतलब डाल दिया किसी ने, और यहाँ ममाना मेरा था, वहाँ यहाँ मेरा भाई आता जाता। वो क्या नाम है मामा का? रामदास। कौन से गाँव ममाना है? रसीदपुर में। ये जो तुम्हारे भाई की मौत हुई, कहाँ पे हुई है? ये पता नहीं, यहाँ डरा था मेरे भाई। कहाँ पे, कौन सी जगह है ये? रेल की पटरी के पास में। आप कौन हो भाई? वो लड़के सगे भाई है। ये तुम तो छोटे थे या बड़े? छोटे थे। इनकी शादी हो गई? हाँ जी। क्या बच्चे हैं इनके? एक बच्चा था, बच्चिया था नहीं, वो 12 साल की। 12 साल की कहाँ, जो कुछ है 12 साल की। तुम्हारा ये जिनकी मौत हुई, ये कौन है आपके? मेरे पापा। क्या हुआ इनके साथ? पता नहीं, कि दी पर्दा दंग काक दंग निगरत पर्दा के लाए। फिर पता नहीं था, मेरे पता लगो। ये कहाँ आए थे? इनसे पता नहीं कहाँ कहाँ घूमत रहे, पता ही नहीं। मैं पापा का जो अमित स्कूल गए थे, पता लगा कि आपकी रिश्तेदारी है, मामा रहते हैं, इनके मामा क्या आए थे? मेरे मामा का लड़का नहीं है, साथी। अच्छा अच्छा, वहीं आए थे? नहीं आए थे, फिर पता नहीं, पता लगो, पता नहीं जाओ, हाथ लग रहा बर्दा का मैं। अच्छा, किसका बर्दा का लग रहा हुआ है? उनसे कोई संबंध थे इनके? हाँ, व्यक्ति जाते रहते थे यहाँ। अच्छा अच्छा, तो अवैध संबंध में इनकी हत्या की गई है आपको लग रहा है? आज 9 बजे के आसपास प्रभारी निरीक्षक थाना मऊ दरवाजा के द्वारा अवगत कराया गया है कि नीरज सनात राम किशन ग्राम नौली मोही थाना सीवराम अपने मामा के घर रेशमा डाटराज स्वर्गीय रामदास ग्राम रसीदपुर में आए थे और उनकी लाश जो है रशीदपुर और हथिया के बीच में पक्की सड़क में खाड़ी के किनारे पड़ी हुई है। मौके पर मैं तत्काल पहुंचा और पहुंचने के बाद प्रभारी निरीक्षक थाना मऊ दरवाजा को निर्देशित किया कि शव का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराते हुए जो लोग दोषी हैं सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।